हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS क्लास 9 के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2011 जी हाँ 2011 के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और साथ में इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वेश्चन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। और साथ में बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्सेज के जो क्लासेस हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पर रन करता है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गूगल प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज और साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया गया है 8795553272 8795553272 यह नंबर दिया गया है। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपका 41 नंबर आपका फ्रेम किया गया है और आपके लिए आपका नंबर 1 रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि द हाइएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज फैक्टर ऑफ 9। हाइएस्ट पावर ऑफ 3 आपको जो है हाइएस्ट पावर ऑफ 3 लिखना है, जो आपका एक फैक्टर हुआ आपका 9 भी होना चाहिए उसमें। 1, 2, 3, 4 आपका दिया गया है, हाइएस्ट पावर ऑफ 3 आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपका इसमें ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, 4, तो अगर हम लोग हाइएस्ट पावर आपका 3 लिखें, 3 की पावर अगर हम लोग 4 लिख देते हैं तो यह आपका कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, 81 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को इसको लिखना है 81 को, तो 9 × 9 लिख सकते हैं। यह फैक्टर भी आपका 9 का हो गया और साथ में बता दें कि यह आपका हाईएस्ट पावर होने वाला है आपका 3 का। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए पूरी तरीके से आपका करेक्ट होने वाला है, जिसमें आपका हाईएस्ट पावर जो है यह आपका 4 है। 3 की पावर 4 मतलब आपका 81 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका 42 नंबर होने वाला है, जिसमें बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, जो आपका टोटल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है वह आपका एक्स है, जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है x² + 1/x आपका ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 2 के। x² + 1/2 है वह आपका ग्रेटर देन होना चाहिए आपका जो है 2 से। 2 जो है यह आपका ग्रेटर देन होना चाहिए और x की ऐसी वैल्यू आपको सेटिस्फाई कराना है। जी हाँ, सेटिस्फाई कराना है, जिसमें लिखा गया है कि ऐसी धनात्मक आपको वास्तविक संख्या बताना है x का जो आपका 2 होना चाहिए वह आपका ग्रेटर होना चाहिए। इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका 0, 1 और 2 और लास्ट 1 आपका इनफाइनाइट है, अनगिनत है। तो अगर हम बात करें x की वैल्यू की, तो अगर यहाँ पे आप x बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है प्लस 1 5/2 या आप बोल सकते हैं 2.5, यह भी आपका 2 से ग्रेटर हो गया। अगर यहाँ पे आप 1 भी पुट करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 2 के इक्वल टू आ जाता है। आपका क्या होना चाहिए, इधर वाला नंबर जो होना चाहिए आपका 2 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपका 0, अगर x की जगह 0 पुट करते तो 1 जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन हो गया यह आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ये आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो आपका 2 है ग्रेटर देन 1 से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x की ऐसी वैल्यू जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, अगर हम इसकी बात करें तो आपका 0, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और साथ में बता दें कि इस तरीके के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जाते हैं। तो इसमें आपका 43 नंबर रहने वाला है, जिसमें बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 3 के पावर -1 / 7 के पावर -1 + 5 के पावर -1 का ओवरऑल पावर आपका -1 दिया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ, आपको वैल्यू बताना है, 3 की पावर -1 है, फिर आपका डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है और यहाँ पे आपका 7 की पावर -1 है और यहाँ पे आपका क्या है प्लस में आपका 5 की पावर -1 है और लास्ट 1 ओवरऑल आपका पावर भी आपका -1 है। -1 का मतलब क्या होता है, यह आपका रेसिप्रोकल हो गया। जैसे सपोज करिए
ए के पावर माइनस वन है तो इसको आप वन बाई ए आप लिख सकते हैं, ए के पावर माइनस वन है तो इसको आप वन बाई ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सभी नंबर को आपको लिखना है, वन बाई थ्री हो गया डिवाइड है और यह आपका वन बाई सेवन हो गया प्लस में वन बाई फाइव के पावर माइनस वन है। तो आप एक एक करके सॉल्व करिए, वन बाई थ्री हो गया डिवाइड हो गया, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका 35 आने वाला है और यह आपका हो जाएगा 13। जी हाँ, आपका 7 और 5 होने वाला है, 7 5 जो आप 35 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 और 5 आपका 12 होने वाला है। तो यहाँ से ये हो गया आपका 12 अपॉन में 35 के पावर माइनस वन, एक एक आपको डिकोड करना है। यहाँ से ये डिवाइड हो गया, ये आपका पावर जो हो जाएगा पलट जाएगा। अगर ये इसको आपको हटाना है, माइनस वन पावर में हटाना है तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, अब हो जाएगा वन बाई थ्री हो गया, मल्टीप्लाई का साइन डिवीजन को हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो फिर से ये आपका जो हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 अपॉन में आपका 35 हो जाएगा तो 12 अपॉन में आपका 105 आ जाएगा। जी हाँ, 12 अपॉन में 105 आ जाएगा। इसमें ऐसा आपको ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है, जी हाँ आपका जो पहला ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट है, 12 अपॉन में 105 आर करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आएंगे। यहाँ पे आपका 3 के पावर माइनस वन दिया था तो इसको 1 बाई थ्री लिख दिया, डिवाइड लिखा है, 7 के पावर माइनस वन है तो 1 बाई सेवन लिखा है, 5 के पावर माइनस वन है तो 1 बाई फाइव लिखा है। इसका एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बाई 35 के पावर माइनस वन आएगा। माइनस वन को आप जो है हटाना चाहते हैं तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे 35 बाई आपका 12 हो गया, डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए फिर से रेसिप्रोकल करते हैं तो 12 अपॉन में 35 इंटू में 1 बाई थ्री हो गया तो 12 अपॉन में 105 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी आपका साइमल्टेनियस दिया गया था, एक तरीके का दिया गया था, जैसे आपके बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि इफ द लास्ट नंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 113, 113 दिया गया है तो कौन सा आपका पाइथागोरियन आपका ट्रिपलेट होगा इसमें आपको बताना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन 17 100 113 दिया है, नेक्स्ट है 15 102 113 दिया है, नेक्स्ट है आपका 19 111 दिया है, 113 दिया है और लास्ट है आपका 15 111 आपका 2 दिया है और साथ में 113 दिया है। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो आपका देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका 2n 2m m² - 1 और आपका m² + 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर इस पैटर्न को आपका फॉलो कर रहा है तो वह आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वह आपका रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न को जो इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसके लिए करेक्ट है, 15 112 113। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 45 में बोला जा रहा है कि द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19491 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर इसमें से घटाया जाए कि इसको आपका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए। तो आपको हमने बताया कि डिवीजन मेथड से कैसे आपको स्क्वायर रूट को निकालना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए यह होने वाला है। पाँचवें नंबर की बात की जा रही है और क्वेश्चन में आपका जो नंबर दिया गया है उसका हम लोगों को डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 4491 यहाँ पे आपके ये 44 है, ठीक है 44 है, ये 91 है, ये आपका 1 क्या है, इसमें आपका 194,400 आपका 91 रुपये आपका दिया गया है। अगर रुपए की बात करें, रुपए नहीं नंबर में दिया गया है, इसको आपको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर का रूल होता है कि पीछे से आपको दो दो का पेयर बनाना है। क्या करना है, पीछे से आपको दो दो का पेयर बनाना है। यहाँ पे आपको 19 दिख रहा है तो ये 4 लिख लीजिए और ये 4 लिख लीजिए, ये 4 लिख लीजिए, यहाँ पे 16 हो गया, ये हो गया 3 और ये 49 को आप यहाँ से उतार दीजिए, ये हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 344 आ गया। अब ऐसा कोई नंबर आपको थिंक करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आए या इससे कम आ जाए, तो आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
4 जा 16 हो गया, कैरी 1 आ गया, ये आपका 33 हो गया। जी हाँ 33 हो गया, आप माइनस कर दीजिए 14 में से, आपका 6 चला गया, ये आपका 8 हो गया, 9 1 आप यहाँ से इसको उतार दीजिए, ये आपका 88 आ गया। ये आपका कितना हो गया, आपका 88 हो गया, और उसको आप जो है यहाँ से उतार दीजिए, तो यहाँ से आपका जो हो गया 881 हो गया, यहाँ से जो आपका रिमाइंडर बच गया वह आपका 10 बच गया। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ऐसा जो आपका लिस्ट नंबर होना चाहिए जो आपका 10 माइनस करे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जो आपका आंसर आ रहा है वह आपका 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 15, 10, 20 और 16 दिया था, ऑप्शन नंबर आपका बी इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें नंबर की बात करते हैं, यह बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्यूब रूट बताना है, इसका आपको क्यूब रूट बताना है। जैसा कि हम बता दें कि 6 का क्यूब आपका 216 होता है, या आप जानते ही होंगे। 31 की बात करें तो 36 आप जानते हैं कि 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27 आता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो यहाँ से आपका 3.14 अपॉन में आपका 6 आने वाला है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो 0. आपका 5235 वाला आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि द क्यूब रूट ऑफ 31 अपॉन में 216, अगर आप 31 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 3.14 के अप्रॉक्स आएगा अपॉन में 6, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5235 आपका आ जाएगा पॉइंट में। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ एक्स के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6। इस तरीके के क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, एक्स के पावर 6 वाई के पावर 6 का आपको रिड्यूसिबल फैक्टर आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके फैक्टर होने वाले हैं। अगर हम लोग इस पर आपका फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस में आपका वाई स्क्वायर का होल क्यूब का फार्मूला लगाएं, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा एक्स माइनस वन। जी हाँ, आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये आपका ब्रेक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई स्क्वायर माइनस में आपका एक्स वाई। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो जाएगा, किस पे ब्रेक हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर आपका है तो ए माइनस बी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो यहाँ से आपके इसकी पावर 4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पावर 4 लिख सकते हैं, ये भी आपका पावर 4 रहेगा और इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रहेगा, यह भी आपका दो भागों में अभी ब्रेक होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आपका यह ब्रेक हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, और यह आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई आ जाएगा, और एक ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आपका एक्स वाई में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो आपका 4 फैक्टर टोटल आपके कम्प्लीटली निकलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसको लगा लीजिए, हर साल आपके रिपीट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन 6 था, 5, 4 और 2, तो ऑप्शन भी आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आप जो हैं अपने क्वेश्चन से आप चुक जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि आपका 48 नंबर हो वाला, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द एज ऑफ ए एंड बी रेशियो आपका कितना दिया गया है, 5 और 7 दिया गया है। ई और बी का रेशियो कितना दिया गया है, 5 और 7 दिया गया है। यहाँ पे आपका 8 नंबर होने वाला है, ए और बी का जो रेशियो है कितना दिया गया है, आपका 5/7 दिया गया है। यहाँ पे आपका पहले से क्वेश्चन में मेंशन है, ए वर 9 ईयर ओल्डर एंड बी 9 ईयर यंगर। इसमें जो है आपका ए जो है 9 ईयर आपका ओल्डर है, और साथ में जो है आपका जो है बी जो है आपका 9 ईयर आपका यंगर है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, जो आपका ए है वो आपका 9 ईयर यंगर है, और साथ में आपका जो बी है वो आपका 9 ईयर आपका यंगर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 9 ईयर आपको ओल्डर जो ए है आपका ओल्डर है, और साथ में जो आपका बी है वो आपका यंगर है। ए वुड हैव बीन ट्वाइस द एज ऑफ बी, ए जो है आपका जो है ट्वाइस से एज ऑफ बी के। तो यहाँ से अगर हम लोग ए बराबर लिखना चाहें तो 5/7
इनटू में आपका बी लिख सकते हैं। यहाँ से बी की जगह जो है आप ए की जगह आप इतना पुट कर दीजिए, 7/5 भी आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 5/7 हो गया। आप ए बी की जगह एक्स वाई भी ले सकते हैं अपने आप सुविधा अनुसार। प्लस में आपका 9 = 2b, माइनस में आपका 18 हो गया। यहाँ से आप क्या करिए, 18 को इधर लाइए, उसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 18 और आपका 9 27 हो गया। 27 इक्वल टू हो गया आपका 2b, माइनस में 5/7 आपका b हो गया। तो यहाँ से यह आपका 14 हो गया। 14 में से आपका 5 चला गया, आपका 9 आ गया। 27 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/7 आपका b हो गया। तो b बराबर हो जाएगा आपका 27 इंटू में 7 अपॉन में 9। तो यहाँ से 9 से आप 27 को 3 टाइम्स में कट कर लीजिए। b बराबर आपका 21 ईयर, b की वैल्यू आपके 21 ईयर आ गई। यहाँ पे पुट कर दीजिए, a बराबर हो जाएगा 5/7 इंटू में आपका 21, ये आपका 3 टाइम में कट गया 15 ईयर। 15 ईयर आपका हो गया ए की वैल्यू। और अगर हम बी की बात करें तो आपका 21 ईयर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 28 नेक्स्ट था, इसमें आपका 10 और आपका 14 था। नेक्स्ट इसमें आपका 15 और 21 है, और लास्ट इसमें आपका 25 और 35। तो यहाँ पे आपका जो है 15 और 21 आ रहा है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5/7 का है, तो ए बाई बी बराबर 5/7 है। और फिर बोला जा रहा है कि यदि ए के 9 साल बड़े होने से और बी के 9 साल छोटे होने से, ए के 9 साल बड़े होने से और बी के 9 साल छोटे होने से जो है ए की आयु बी की दोगुनी हो जाती है, ए की आयु बी की दोगुनी हो जाती है, तो आपको जो है ए और बी का आपको एज बताना था, आयु बताना था। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ए और बी की जगह आप अपने सुविधा अनुसार एक्स और वाई भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपको फ्रेम किया गया है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि अन अमाउंट ऑफ 4000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट विल इंक्रीज इन 2 ईयर। आपका क्या बताना है, आपको अमाउंट बताना है और प्रिंसिपल दिया गया है। तो यहाँ से आप जानते हैं, ये आपका 9 नंबर हम यहाँ पे करें, ए बराबर होता है पी 1+r/100 आपका टी होता है। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आपका ए बराबर होने वाला है 4000 है इंटू में आपका 1+r/100, आर की वैल्यू 5 है, तो ये आपका 2 ईयर के लिए है। 105 अपॉन में आपका 100 हो गया इंटू में 105 अपॉन में आपका 100 हो गया। इसको आप कट कर दीजिए, 21 टाइम 20 और 20 टाइम 20 आपका हो गया 400 हो गया। ये आपका 441 हो गया इंटू में आपका 10 हो गया, या आपका 4410 आपका आने वाला है, 4410 आने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। यहाँ पे आपका 1+r की जगह 5/100 पुट करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, एलसीएम लेके, तो 105/100 इंटू में 105/100 करना है। इसको आप 5 से कट कर दीजिए, सेम नंबर से आपको कट करना है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग आपके नंबर से जो है आपका डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी नंबर में, मैथमेटिक्स का रूल है कि आपको सेम नंबर से करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 50 की बात करते हैं। जी हाँ, 50 इसमें दिया गया है और आपके लिए जो है 10 नंबर होने वाला है। 10 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ द मनी इन्वेस्टेड इन अ स्कीम डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, जो आपका मनी होता है किसी स्कीम में आपकी योजना में लगाई जाती है और यह राशि आपकी 5 वर्षों में जो होती है दोगुनी हो जाती है, तो आपको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है कंपाउंडेड एनुअली। आपका पहला ऑप्शन आपका 14.354 है, नेक्स्ट इसमें आपका 14.626 से, नेक्स्ट इसमें आपका 14.87 है, और लास्ट इसमें आपका 14.336 दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं, और साथ में आपका रूट में आपका 2 और ऐसे आपका 5 दिया गया है।
रूट टू फाइव की वैल्यू यहाँ पे आपका कुछ मेंशन है 1.1487 आपका कुछ दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका भी यूज होगा। क्या बोला जा रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल है वह आपका क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है, किसी स्कीम में आपका डबल हो जाता है, और साथ में आपका 5 ईयर जो टाइम पीरियड है वह आपका 5 ईयर दिया गया है, तो आपको क्या बताना है, आर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो आपका लिख सकते हैं अमाउंट आपका 2P है इक्वल टू हो जाएगा P 1+R अपॉन में 100 की पावर आपका 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको आप इधर लाइए तो ये आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1+R बाई 100 की पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको स्क्वायर रूट जैसे लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए रूट में आपका 2 आ जाएगा, तो ऐसे आपका रूट में 2 5 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1+R अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इतना दिया गया है, इस 1 को आप इधर लाएंगे तो उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद जो बचेगा 1.1487 इक्वल टू आपका R अपॉन में 100 बचेगा, तो R बराबर कितना आपका 14.87 जी हाँ 14.87। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, जी हाँ थर्ड नंबर वाला आपका करेक्ट होने वाला है, 14.87 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट, अब तक के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यह फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपका a³ - b³ बराबर होता है a - b, a² + b² माइनस में आपका ab। मैं यहाँ पे आपको लिख भी दे रहा हूँ, a³ - b³ बराबर होता है आपका a - b, a² + b² माइनस में ए बी। इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ आपके बेसिक एलजेब्रा के फॉर्मूलास हैं और साथ में हमने कुछ ट्रिक भी बताया है, जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा कि सर कैसे ट्रिक से बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हमने ट्रिक से भी किया है, जो आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, जो आपके हर साल लगभग पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को भी हमने 10 से आपका 15 सेकेंड में उस तरीके के क्वेश्चन को भी किया है। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। और साथ में ये जो आपको ओरिजिनल पेपर मेरे हाथों में दिख रहा है, इसको अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, यह पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एप्लीकेशन पर अपलोड करा दिया गया है, जहां से आप फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चार्ज इस पेपर का आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 11 नंबर की बात करते हैं, 11वें नंबर में क्या बोला जा रहा है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ आइस वेट 9/10 ऑफ द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ अ वाटर, देन द वेट इन केजी ऑफ अ 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आइस इज, यदि बर्फ का भार अपने बराबर आयतन वाले पानी के भार का 9/10 आपका जो है 10 आपका गुना है, तो आपका 40 सेंटीमीटर गुणे आपका 25 सेंटीमीटर गुणे आपका 15 सेंटीमीटर माप के आयताकार बर्फ की सिल्ली का भार कितना होगा, केजी में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 9/10 आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है, इनटू में आपका टोटल आपके डेंसिटी वाटर की 1000 होती है और यह आपका 40 अपॉन में 100 होता है, मीटर की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर दिया है, ये हो गया अपॉन में आपका 100 हो जाएगा इनटू में 15/100, ये आपका जो आ जाएगा इसका आपका जो आ जाएगा भार आ जाएगा वेट आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया और 20 से ये आपका 20 कैंसिल होने वाला है, 10 से 10 कैंसिल होने वाला है और साथ में आपका अगर हम 25 से इसको कट करें तो 4 टाइम में कट हो जाएगा या 4 से आपका 4 कट हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं बचा क्या आपके 15 में आपका 9 बच गया, 15 × 9 करते हैं अपॉन में आपका 10 बच गया है, ठीक है, अपॉन में इस वाला 10 बच गया है तो ये आपका 135 अपॉन में आपका 10 आ गया या इसको आपका 13.5 आप लिख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 50/3 दिया था, 500/3 दिया था, 13 दिया था और 13.5 दिया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 52 नंबर इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 28 मीटर स्क्वायर,
और साथ में इसका जो पेरीमीटर है वह भी आपका 28 मीटर दिया है। आपका एरिया 28 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर आपका 28 मीटर है, तो आपको एल्टीट्यूड बताना है। 52 नंबर की बात की जा रही है, यहाँ पे आपका 12 नंबर हम लोगों के लिए रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का जो परिमाप है वह आपका 28 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई एल्टीट्यूड आपको बताना है। 7 मीटर, 20/3 मीटर, 14/3 मीटर और आपका 4 मीटर यह आपका दिया गया है। अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर होता है 4 आपका साइड होता है। अगर हम लोग आपके रोम्बस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4p बराबर आपका 28 दिया है, तो p बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। p की वैल्यू आपकी 7 आ गई, यहाँ से आप p नहीं, यहाँ पे आपका साइड लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 इंटू साइड, तो साइड की जो वैल्यू आ गई वह आपके 7 मीटर आ गई। आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है क्या होता है, हाइट इंटू में आपका क्या होता है, आपका हाइट इंटू में आपका साइड होता है। अगर हम लोग एरिया ऑफ आपका क्या बोले, आपका रोम्बस की बात करें, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो आपका बी इंटू एच भी लिखते हैं, बेस इंटू या आपका साइड इंटू एच भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एरिया आपका 21 दिया है, 28 दिया है और यहाँ पे एच इंटू में साइड की वैल्यू आपकी 7 होगी, तो एच बराबर आपका 4 मीटर, एच बराबर आपका 4 मीटर। ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था आपका जो है रोम्बस से। रोम्बस का बेसिक आपको जो है प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसके एरिया की बात करें तो आपका जो होता है बी इंटू एच होता है, और साथ में अगर हम बात करें पेरीमीटर की तो आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं का जो योग होता है वही आपका परिमाप होता है। तो उस फॉर्मूले से आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर की बात करते हैं। 0.4z माइनस में आपका 3 दिया है, अपॉन में क्या दिया है आपका 1.5z है, माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो गया, इक्वल टू आपका -7, अपॉन में 5 दिया है और आपको जेड की वैल्यू बताना है। जेड की वैल्यू बताना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का आप इधर और इसका आपका 7 का इधर कर दीजिए, तो 5 4z आपका 20, तो यहाँ से 2z हो गया, माइनस में आपका 5 3 15 हो गया, इक्वल टू आपका 15 इंटू में आपका 7। क्या करिए, यहाँ पे 15 इंटू में आपका 7 हो गया। ठीक है, 15 इंटू में 7 करेंगे और साथ में माइनस में, तो माइनस में आपका 10.5z हो गया और साथ में 9 इंटू में आपका क्या करिए, 7 करिए, तो 7 आपका 9j कितना होता है आपका 63 होता है, तो ये आपका -63 हो गया। अब आपको क्या करना है, 15 को उधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है, तो यहाँ से आपका 12.5 आपका जेड हो गया, इक्वल टू वो उधर जाएगा आपका 63 में से माइनस हो जाएगा, तो 63 में से आप 60 में से आप सिंपली माइनस करेंगे तो 48 आने वाला है। जी हाँ, 48 आने वाला है, वह भी आपका माइनस में आने वाला है, तो जेड बराबर आपका -48 अपॉन में 12.5 या इसको हम लोग 90 आपका 6 अपॉन में आपका 25 लिख सकते हैं, वह भी आपका माइनस में 96 अपॉन में आपका 25 लिख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो -19/5 था, -23/5 है, -16/5 पे और लास्ट आंसर आपका -96 अपॉन में आपका 25 पे, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, बस आपको एक अच्छे फॉर्म में कैलकुलेशन करना है। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस आपके माइनस में मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं 9 के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इस माइनस को भूल जाते हैं। तो आपको जो कैलकुलेशन है आपको केयर करके करना है, क्योंकि कि देखिए आपका एक्यूरेसी लेवल कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन में समय दे रहे हैं तो उसको आप एक अच्छे फॉर्म में डिकोड करने की कोशिश करिए, उसको एक अच्छे फॉर्म में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट नंबर इसमें आपका 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर में बोला जा रहा है कि आपका 4x0 है, 0.0000 आपका 64 के पावर आपका कितना दिया है, 5/6 दिया है। जी हाँ, आपके इतना दिया गया है। तो अगर हम बात करें आपके पावर आपके 6 की, यहाँ पे 2 की पावर आप 6 इंटू में 5/6 लिख सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2.5 की पावर आपका 5। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 0.00 आपका 032 आ जाएगा।
0.00032 आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उससे आप मिला लीजिए, बाकी ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपका इफ़ एन माइनस वन बाई एन इक्वल टू आपका 1/4 है, तो आपको एन प्लस 1/n की वैल्यू बताना है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बेसिक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बस आप इतना ही फार्मूला जानते हैं, उसको आपने रट लिया है और उसी को आप चलते चलाते चल रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे के लॉजिक को भी आपको समझना पड़ेगा। हम लोग कंप्लीट लॉजिक समझाते हैं, जिसमें आप कंप्लीट कोर्सेस में जुड़कर सभी टॉपिक के रिगार्डिंग आप अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम को आप जो है दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका इसके, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से आपका एन स्क्वायर हो गया, प्लस में 1/n स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 इक्वल टू 1/16 हो गया। ठीक है, माइनस में 2 इक्वल टू 1/16 हो गया। दोनों साइड हम 4 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से एन स्क्वायर प्लस में 1/n स्क्वायर, 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 2 बचेगा, और इधर आप 4 को ऐड करेंगे तो 65/16 बचेगा। ये आपका फार्मूला दिख रहा है, किसका दिख रहा है, एन प्लस 1/n का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो यहाँ से एन प्लस 1/n का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 65/16 आ गया, एन प्लस 1/n बराबर हो गया आपका रूट में 65 अपॉन में आपका 16 को जब आप रूट में लेंगे तो 4 आ जाएगा। एन प्लस 1/n की जो वैल्यू आ गई रूट में 65/4 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एक्स प्लस 3/y इक्वल टू आपका 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, और वाई माइनस 7/y आपका जेड इक्वल टू आपको 3 दिया गया है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका 21, 14, 7, 14/3 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से क्या करिए, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस में 3 इक्वल टू आपका वाई हो गया, और यहाँ से आपका वाई जेड माइनस में 7 इक्वल टू 3 आपका जेड हो गया। ठीक है, y की वैल्यू जो है आप इतना आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या करिए, y की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है आपका, इस y की वैल्यू यहाँ पे आपका पुट करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से हो गया एक्स वाई और आपका जेड हो गया, प्लस में आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया और यहाँ पे आपका 3z हो गया, माइनस में 7 इक्वल टू आपका 3z हो गया। जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स वाई और जेड बराबर 7 हो गया। बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा, एक बार फिर से हम स्टेप उन बच्चों के लिए करते हैं जिनको ना समझ में आया। यहाँ पे हमने आपका एलसीएम लेके एक्स वाई प्लस में 3 इक्वल टू वाई लिख दिया, और यहाँ से वाई जेड माइनस 7 इक्वल टू आपका 3z लिख दिया। यहाँ से हमने वाई बराबर आपका एक्स वाई प्लस में 3 वाई की जगह पुट किया, और ब्रैकेट के बाहर जेड को आपको रखना है, फिर जेड से पूरे आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा। और अगर आपका इक्वल टू के अपोजिट, जी हाँ, लेफ्ट और राइट में अगर आपका सेम साइन है, सेम नंबर है, तो आपका कैंसिल आउट होता है। तो इससे इससे आपका कैंसिल हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका 23% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 69। कितना बोला जा रहा है, 23%, और फिर बोला जा रहा है आपका 40%। कोई नंबर में x सेलेक्ट कर लेता हूँ इक्वल टू आपका 69 दिया है, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 69 इंटू में आपका 100 इंटू में आपका 100 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 23 इंटू में आपका 40 हो जाएगा। तो ये आपका 3 टाइम में कट गया, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको आप 25 टाइम्स में कट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ गया 750 आ गया।
जी हाँ 750 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला, इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 58 नंबर है जिसमें बोला जा रहा है कि आपका 6x³ माइनस में आपका 7x² प्लस 32 इज डिवाइडेड बाई 2x आपका प्लस में 3 और रिमाइंडर कितना बचेगा, इसकी बात आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं, या आपका 18 नंबर होने वाला है, 18 नंबर होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहला आपका डिवीजन मेथड, 2x प्लस में आपका 3 है और यहाँ पे आपका 6x³ है, माइनस में आपका 7x² है, प्लस में आपका 32 है। यहाँ से आप कर दीजिए, यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका 6x³ है, तो कितने की कमी हो रही है आपका, कितने की कमी हो रही है, 3x² की कमी हो रही है। तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, 3x² की कमी हो रही है इसमें। अगर इसमें हम लोग 3x² का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 6x³ हो जाता है। जी हाँ, 6x³ हो जाता है और इसका इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 9, प्लस में आपका 9x² हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, ये आपका 32 हो गया प्लस में और इसमें से आपका यह माइनस हो रहा है, माइनस 7x² में से आपका 9 को माइनस करेंगे तो -16, माइनस में आपका 16x² आ गया। अगर हम बात करें आपके 16 की, तो आपको कितने की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस में आपका 8x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको प्लस में जो है 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको सेम साइन रखने के लिए यहाँ पे माइनस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 8x का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 16x आता है, x² आता है, ठीक है। माइनस 16x² आ गया और 8x का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस, और साथ में आपका माइनस 8x का आप 3 में करेंगे तो माइनस आपका 24x, माइनस में आपका 24x आ गया। अब आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आपका 32 है तो 32 को उसी तरह आपको लिखना है, 0 0 में से आपका माइनस में आपका 24x को माइनस करेंगे तो आपका यह आपका 24x आ जाएगा और यह आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, 24 दिख रहा है और यहाँ पे आपका 2 है तो कितने की कमी आ रही है, प्लस 12 की, प्लस आपका 12 लिख दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका 24x हो गया और आपको ये आ गया आपका 36 आ गया, तो माइनस आपका 4 बच गया, माइनस 4 बच गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो 7 माइनस 4 माइनस 7 और लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस दिया गया था, तो यहाँ पे आपका माइनस 4 जो है रिमाइंडर बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए करेक्ट है। यहाँ से आप दूसरे मेथड को भी कर सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू आपका 0, तो x बराबर -3/2, x की वैल्यू आप जो है -3/2 पुट करके इस इक्वेशन में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह आपका -4 आएगा, अगर यह इसको सेटिस्फाई करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है जिसमें बोला जा रहा है कि इफ 35% of the people residing in a locality are Sikh, then the central angle of the sector which represent the Sikh community in that locality in pie chart, आपको कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 35 है तो 35 यहाँ पे आपका 19 होने वाला, 35 है तो 35% अपॉन में 100 इंटू में टोटल आपका सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 होता है। टोटल आपका सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 होता है। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 3.35 इंटू में आपका 3.6 कर दीजिए तो ये आपका 126 आ जाएगा। जी हाँ, 126 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 60 नंबर की बात करते हैं जिसमें बोला जा रहा है और आपके लिए 20 नंबर होने वाला है। इसमें आपका बोला जा रहा है कि a के पावर आपका m+5, a के पावर m+5 है इक्वल टू आपका 2 के पावर 3m प्लस में आपका 15 है, तो आपको a की वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ पे a की पावर m+5 है इक्वल टू आपका 2 के पावर आपका 3m+5 है, तो आपको a की वैल्यू बताना है। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल में अपनी एक सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272, 87
9595 पर यह नंबर रहने वाला है। इस पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपका ए के पावर एम प्लस 5 हो गया इक्वल टू आपका 2 के पावर, यहाँ से 3 को कॉमन कर लेता हूँ तो एम प्लस 5 हो गया। तो यहाँ से एक आपको पैटर्न दिख पा रहा होगा। अगर हम लोग ए की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से ए बराबर क्या दिख रहा है, 2 के पावर 3। ए बराबर 2 के पावर 3 इक्वल टू आपका 8 आ गया। ए की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 6, 5, 4 और 8 ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। जी हाँ, ए की वैल्यू आपकी 8 आ गई, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसके लिए करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो सेशन 2011 के पेपर का जो वीडियो सेशन है कंप्लीट आपका सॉल्यूशन का पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपका डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको इंक्वायरी करनी है क्लासेस के रिगार्डिंग तो ये नंबर दिया गया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस पेपर को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से उसको आप फॉलो करके इस पेपर को आप रियली वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस जम के करिए। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में अल्टरनेट मेथड की बात करें तो मेरे यहाँ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर और एक अच्छे फॉर्म में करिए, जिससे आपका 20 मार्क्स आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके हाथों में हो।